हेलो फ्रेंड्स, पितू डेलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेसिक वेनिला केक की रेसिपी लाई हूँ। इस तरह का केक बनाकर आप किसी भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं। अगर हमारा वेनिला केक स्पंज और सॉफ्ट होगा तो हमारा केक भी अच्छे से परफेक्ट बनेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एक बेस तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम वेनिला केक बेस बनाने चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम यहाँ एक बाउल ले लेंगे और बाउल में 1/4 कप दही डाल देंगे, और 1 कप हम यहाँ आइसिंग शुगर डाल देंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी ले लें, उसे डाल दें 1 कप, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। विस्क को एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है, दो डायरेक्शन में हमें विस्क को नहीं घुमाना है। तो देखिए इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम यहाँ 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। ये विथआउट फ्लेवर ऑयल है, इससे हमारा केक सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। इसलिए हम ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 3-4 बूंद वेनिला एसेंस डाल देंगे, क्योंकि हम वेनिला केक बना रहे हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। देखिए हमारा ऑयल भी अभी नहीं दिख रहा है। अब हम इसे एक साइड से रख देंगे, और जिसमें हमें केक बनाना है केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम। तो हम इसमें केक बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे इस तरह। ये देखिए सभी दूर अच्छे से फैला देंगे, और जो बाकी का मैदा रहेगा उसे हम डस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मैदे को कवर कर दिया है पूरे टीन में। अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम डस्ट कर देंगे। ये हमारा केक टीन रेडी है। तो हम इसे एक साइड से रख के हमारा बाउल ले लेते हैं। ये देखिए अब हम इसमें सूखे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो एक छन्नी ले लेंगे, उसमें 1 कप मैदा और 1/4 कप मैदा ले लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, और 1 इंच के करीब 1 चुटकी नमक, और 3-4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से छान लेंगे हम। धीरे धीरे सभी इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स छान लिए। अब हमने स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में विस्क को घुमाना है। अब इसमें जितना दूध लगेगा उतना दूध डाल देंगे, हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है। तो हम लगभग इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दूध का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बेटर को नहीं ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ज़्यादा पतला करने से हमारा केक जो फूलता नहीं है और वो बैठ जाता है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है केक बेटर को। ये परफेक्ट है। इसमें हम 1 टेबल स्पून थोड़ा सा दूध और डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम केक टिन में से डाल देंगे। ये हमारा बेटर तैयार है। अब हम इसे केक टिन में डाल दिया है हमने इसे, और इसे थोड़ा स्टेप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो ना हो। ये हमने तपेली में बनाएंगे केक, तो इसे हमने गरम कर लिया है। इसमें नमक फैला दिया है नीचे, और ऊपर से हमने एक स्टेन रख दिया है कि अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें केक टिन रख देंगे,
और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे 40 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसी तरह पकने देंगे। तो ये 40 मिनट हो चुके हैं, ये देखते हैं हमारा केक पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। हम टूथपिन डाल के इसे चेक करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। टूथपिन को हम बीच में डालेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा कच्चा रह जाता है, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो हमारा केक अच्छे से पक चुका है। तो हम गैस को बंद करके इसे निकाल लेंगे। तो देखिए अभी गर्म है तो हम इस पर थोड़ा वाइट कपड़ा, पतला कपड़ा ढक देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो हम इसे ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये अपने आप परते इसने छोड़ दिए तो हमें कुछ भी करने की इसको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टेप करने से ही निकल जाएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस तरह का वेनिला स्पंज केक बेस बनाकर किसी भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।